गाइस आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू वायरल 3D कपल्स विद नेम एज जनरेटेड इमेजेस की ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसमें आप और अपना पार्टनर का फुल नेम डालकर अलग अलग कलर के बैकग्राउंड के साथ इमेज जनरेट करा सकते हो, क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 न्यू प्रॉम्प्ट्स देने वाला हूँ, जिससे आप भी इस तरह की हाई क्वालिटी वाली इमेज जनरेट करा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। बट ये कपल इमेज जनरेट पे फेस इमेज वाली प्रॉब्लम आप सभी में से बहुत लोगों को आ रही होगी। इमेज जनरेट होने के बाद दोनों का फेस एकदम बेकार सा लगता है, जिसके बाद अच्छी खासी जनरेटेड इमेज भी चिप लेवल की लगती है। लेकिन आपका भाई इसका भी लेकर आ गया, जिससे मेरी तरह आप भी फुल हाई क्वालिटी के साथ इमेज जनरेट करा सकते हो मेरी एक सीक्रेट ट्रिक्स की हेल्प से, जो कि आज की इस वीडियो पर ही बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिना स्किप करे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहना, अदरवाइज ना तो आपको आज की न्यू प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे और ना ही हाई क्वालिटी में आप इमेज जनरेट करा पाओगे। तो चलिए फिर और देरी ना करते हुए आज की स्पेशल वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले वीडियो को ध्यान से पूरा देख लो एंड उसके बाद आपको मैं बताऊंगा टूल्स के बारे में एंड जो मैंने 4 प्रॉम्प्ट्स यूज करे हैं उसके बारे में बताऊंगा एंड वो प्रॉम्प्ट्स कहां से मिलेंगे वो भी बताऊंगा। तो 4 प्रॉम्प्ट्स में से फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट्स को यहां पे मैं पेस्ट करूंगा। यहां आप देख सकते हो मैंने पेस्ट करा, फर्स्ट प्रॉम्प्ट ब्लैक एडिशन की है, यहां आपको पेस्ट करना है। जो मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट करा है वो आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, थोड़ा सा सब्र कर लो। जो मैं इमेज जनरेट कर रहा हूं वो सही लगती है, तब उन प्रॉम्प्ट्स को ले सकते हो। कहां से ले सकते हो वो भी आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद यहां पे आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कैपिटल में मेरा नाम लिखा है एंड एंड के बाद आप अपने पार्टनर या अपने बेस्टी वगैरह का नाम डाल सकते हो। ठीक है, नेम डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट को प्रेस कर देना है, जिससे कुछ सेकंड तक यहाँ पे लोड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है, थोड़ा सा हमें वेट करना होता है। एंड जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी आप देख सकते हो यहाँ पे 4 इमेजेस आ गए, बन करके देखते हो ये इमेज पे देख सकते हो जो मैंने प्रॉम्प्ट पे लिख के डाला था। ठीक है, यहाँ ब्लैक एडिशन वाले जिसमें आप देख सकते हो सारे ब्लैक्स में मस्त जनरेट हो गया है, जो कि बहुत सही लगा। यहाँ पे आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो जो फ्रंट की कलर है वो भी कैपिटल में लिखा है, तो आप ब्लैक की जगह में व्हाइट लिख सकते हो एंड मैं इसे आप जनरेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 से 10 सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो व्हाइट फंड भी बैकग्राउंड पे आ गई है। तो इस तरीके से ब्लैक एडिशन वाली प्रॉम्प्ट को आप इमेज जनरेटर पे पेस्ट करके इजीली जनरेट करा सकते हो, जो कि बहुत सही लगे। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पे जनरेट कराएंगे। तो हमें सबसे पहले क्लियर कर लेना एंड उसके बाद सेकंड वाली प्रॉम्प्ट को यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, जो कि येलो एडिशन है। यहाँ पे अपना कपल नेम लिख लेना अच्छे से, जो कि मैंने कैपिटल पे यहाँ पे लिख के रखा है, तो आप उसे हटाकर आप अपना कपल का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एंड लिखने के बाद आपको अगेन क्रिएट को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। सो कि आप देख सकते हो येलो एडिशन में आ गई है एंड यहाँ मैं ओपन करके दिखा देता हूँ जो सही लग रही है। यहाँ से आप इजीली इस पिक्चर को सेव कर सकते हो एंड इसमें से जो पिक्चर आपको सही लगती है आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम थर्ड वाली प्रॉम्प्ट को ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं अगेन पेस्ट करा एंड ये व्हाइट एडिशन वाली है, देखा इसमें बहुत ज्यादा तगड़ी इमेज जनरेट होके आने वाली है। एंड देखना फोर्थ नंबर वाली तो और अमेजिंग है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके जो कपल नेम है वहाँ पे चेंज करके मैंने क्रिएट को प्रेस करा। नाउ आप देख सकते हो व्हाइट कपल इमेजेस है, ये भी बहुत सही लग रही है, बिल्कुल प्रोफेशनल एंड रियलिटी लुक के साथ इमेज जनरेट होके आ गई। सो कि अब फोर्थ नंबर वाली प्रॉम्प्ट को यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट करा। कॉपी कहाँ से करना है आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, सारे प्रॉम्प्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही आसानी से आप कॉपी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट करना होगा आपको या फिर लिखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप कॉपी करके ले सकते हो मैंने जो प्रॉम्प्ट क्रिएट करा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक और न्यू प्रॉम्प्ट एक इमेज जनरेट करके दिखाया हूँ, तो आप देख सकते हो रेड एडिशन वाली और भी ज्यादा ऑसम लग रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सही लग रही है। अगर आप वेट कर रहे हो वैलेंटाइन डे के लिए तो ये सारे प्रॉम्प्ट को अलग से नोट पैड्स वगैरह पे रख लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं वैलेंटाइन डे पर। बाकी आप देख सकते हो इमेज बहुत ज्यादा सही लग रही है, बट एक्चुअली मैं बताऊं तो ये सही नहीं लग रही है, क्योंकि देखो बैकग्राउंड वगैरह बहुत सही से आ गई है, बट जो कैरेक्टर का फेस है देखो यहाँ पे कैसे एकदम डरावना लग रहा है, उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। इसे फिक्स करने का मस्त इलाज है मेरे पास एंड आपको मैं 4 प्रॉम्प्ट के बारे में बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, आपको सिंपली अपना ब्राउजर को ओपन करना है एंड यहाँ पे अपना एडिट लिखना है। ठीक है, मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ सेम टू सेम आपको लिखना है एंड फर्स्ट वाली साइट को ओपन करना है। यहाँ पे आपको मेनू देखने को मिलेगा, वहाँ प्रेस करके ही फोटो एडिटिंग को जस्ट प्रेस करना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे वो पेज देखने को मिल जाएगी जो कि आज की वीडियो पे हमने प्रॉम्प्ट ट्राई करा था, तो इसी पेज को ही ओपन करना। बाकी आप इस पेज पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, आप उसे बाद में चेक कर लेना, बट यहाँ पे आज के प्रॉम्प्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस है एंड बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस है अलग अलग टाइप्स के। यहाँ देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं एंड उसमें एडिशन भी लिखे हैं, ब्लैक एडिशन येलो एडिशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो प्रॉम्प्ट्स के नीचे में जैसे इमेजेस आ रहे हैं वैसे ही आपको एडिशन मिलेंगे, मतलब रेड है तो रेड एडिशन,
येलो एडिशन है तो येलो एडिशन के इमेज जनरेट वाले प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो चारों प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि आप बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट्स के बारे में बता दिया कि आपको यहाँ पे चारों प्रॉम्प्ट इजीली कैसे मिल सकते हैं। नाउ आपको बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पे अपने इमेज जनरेट हुए पिक्चर्स के फेसेस को कैसे फिक्स कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो प्रीव्यू पे जो मैंने इमेज जनरेट करा था उसका फेस एकदम बेकार सा लग रही है, एंड मैंने एक ट्रिक को फॉलो करा जो मेरी जनरेट इमेज है वो बहुत सही से हो एंड ये फुल हाई क्वालिटी में लग। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उस प्रीव्यू के ऊपर में एक टूल मिलेगा, उस टूल को ओपन करना है। टूल को ओपन करते ही ये टूल आने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगी। तो आप जिस भी पिक्चर की फेस को ठीक करना चाहते हो उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो मुझे ये वाली कपल इमेज को फिक्स करना है तो सिंपली मैंने फोटो को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद थोड़ा सा लोड लगी क्योंकि ये फेस डिटेक्ट करके देती है। डिटेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का फेस यहाँ पे डिटेक्ट करके आ चुकी है और यहाँ पे जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे प्लस वाली, जैसे गर्ल्स के आगे में प्लस वाली आइकॉन है उसे टाइप करके मैं एक सेलिब्रिटी फोटो को ऐड कर लेता हूँ एंड सेकंड में जो बॉय फेस के लिए प्लस वाला आइकॉन है उसे प्रेस करके मैं अपना खुद की एक फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे स्वैप को प्रेस करूंगा और यहाँ पे कुछ सेकंड लोड लगी एंड लोड होने के बाद नाउ आप देख सकते हो मैजिक जो कि आपके सामने है। यहाँ से मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो फेस थी वो बहुत सही से आ गई है। यकीन नहीं हो रहा तो आपको मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे दूसरे इमेज को यहाँ पे ऐड करके सेम आपको स्टेप को फॉलो करना है। गर्ल्स वाली इमेज पे किसी सेलिब्रिटी की फोटो डाल सकते हो एंड आप अपना फोटो डालना चाहते हो तो यहाँ पे अपना फोटो डाल के यहाँ पे स्वैप करा देना, ये आपकी फोटो को स्वैप करके दे देगी। यहाँ पे मैंने तीसरे वाली फोटो पे भी ट्राई करके आपको बता दे रहा हूँ एंड सेम स्टेप आपको फॉलो करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों फोटोज को ऐड कर लिया। बाकी आपको सेलिब्रिटी की फोटो चाहिए तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा अगर आप चाहते हो, या फिर मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसे आप चेक कर सकते हो। आप ये देख सकते हो मैंने बहुत सारे फोटोज पे ट्राई करके देख लिया एंड नाउ अब आपकी बारी है, आप जाओ इस तरीके से स्टेप फॉलो करो। पहले तो इमेज जनरेट करा लेना, मैं जो आपको प्रॉम्प्ट्स दिया हूँ चारों प्रॉम्प्ट्स से आप इमेज जनरेट करा के देख सकते हो। आफ्टर इमेज जनरेट अगर इमेज जनरेटर से फोटो नहीं आती है तो इस तरीके से फिक्स कर सकते हो जिससे जो फोटो की क्वालिटी है वो एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो पे हमने 200 लाइक्स की टारगेट रखा था तो प्लीज जस्ट जल्दी से टारगेट कम्प्लीट कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना यार आप आज की वीडियो कैसे लगे, क्योंकि आपको मैं चार प्रॉम्प्ट दिया था तो आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे भी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स दूं तो कमेंट करके बताओ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।